शहर के शहीद हुए हैं। आज उनके जो गांव था बल्लो, वहां पर सभी देश के अलग अलग समुदायों से यूनियन और किसान मजदूर मोर्चा, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और पूरे देश के किसान मजदूर नौजवान माताएं बहनें, वो अंतिम संस्कार में सभी लोग पहुंचे हैं और हमने आज उनका संस्कार किया है। और जो जिन मांगों को लेकर शुभकर्ण सिंह जी की शहादत हुई है, उन मांगों को लेकर आंदोलन जारी है। और अभी शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। और इसी तरह जिस तरह से पंजाब और हरियाणा और अन्य राज्यों का इन बॉर्डरों पर सहयोग मिल रहा है, उन सभी से आह्वान है कि पंजाब में किसी घर में, किसी गांव में एक ट्रैक्टर ट्राली ना रह जाए जो शंभू और खनौरी ना पहुंचे। और जो आज फैसला किया है कि कल हम खंड पाठ साहब का पाठ आरंभ करेंगे और परसों 3 मार्च को, एतवार को, जो बल्लो गांव है, इन्हा मंडी है, दाना मंडी, तो वहां अंतिम श्रद्धांजलि समागम देश के दो बड़े फोरमों की ओर से किया जाएगा। तो सभी को हम पंजाब और हरियाणा के नजदीक के राज्यों से सभी देश के किसान मजदूर को बोलते हैं कि जितनी भी माताएं बहने हैं, जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं इस आंदोलन को, वो सभी अपनी हाजिरी यहां पर दाना मंडी बल्लो में, जिला बठिंडा में लगाएं। और जो शहादत हुई है, जिस तरह से मोदी सरकार के अर्धसैनिक फोर्सों ने हमारे ऊपर गोली चलाकर हमारा जो शहीद किया है किसान, ये इसका जवाब 140 करोड़ लोग मोदी सरकार से लेंगे। और देखिए, हम आज भी पीसफुली हैं, कल भी पीसफुली रहेंगे। हम एमएसपी गारंटी कानून, डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम, किसान मजदूर का कर्ज, अन्य मांगों के लिए जो आंदोलन चल रहा है, और जो शहीद शुभकर्ण जी का सपना भी था ये मांगे मानी जाए, उन मांगों को पूरा करने तक संघर्ष जारी रखेंगे। और पूरे देश भर में ये आंदोलन बढ़ रहा है। आपने देखा बूंदी कोटा में भी आंदोलन हुआ, उसको पीट दिया गया। पूरे देश भर में आंदोलन चल रहा और आने वाले समय में देश के आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, ये भी आपके समक्ष रखा जाएगा। अब डल्लेवाल साहब आपसे बात कर लेंगे। देखिए सभी, एक मिनट शांत हो जाइए। आप प्रेस वालों को मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप शांत रहें। देखिए आज जो यहाँ पे हम गांव बल्लो के अंदर एकत्र हुए हैं, हमें यहाँ पे जो ये पीसी करनी पड़ रही है, आप हमारे से ज्यादा बेहतर जानते हो कि हमारे एक नौजवान शुभकर्ण सिंह किस तरीके से सरकार के जुर्म का मुकाबला उनके अपने सब्र से करता हुआ अपने प्राणों की आहुति देकर गया है। आज पूरा देश उनके इस वक्त जो समय उनके ऊपर आया है, एक एक आंख नम है। बहुत अत्यंत दुखदाई माहौल में हम सब हैं। हम ज्यादा बोलने की कोई, पिंडेर साहब ने पूरी बात रख दी है, हमारा इतना ही है कि ये जो शुभकर्ण था, ये ठीक है, माँ ने जन्म दिया था इसकी ने, लेकिन ये अब केवल अपनी माँ का लाल नहीं रहा, ये पूरे देश के कमेरे लोगों का लाल बन चुका है। पूरे देश का ऐसा शहीद हो निबड़ा है कि हमने देखा जाए, आप भी सबको पता है इस बात का, कि मेरा ख्याल है हमारी जिंदगी में तो पहली बार हुआ होगा कि किसानों के आंदोलन के दबाव के कारण सरकार को इसे शहीद का दर्जा देना पड़ा। दूसरी बात, आंदोलन का प्रेशर, आंदोलन का दबाव भी सरकार के ऊपर जैसे पड़ रहा है कि पिछले दिनों गन्ने का भाव बढ़ाना पड़ा सरकार को, और वो भी ऑफ सीजन में आकर, कभी नहीं इस टाइम में कभी नहीं बढ़ता। और हरियाणा के अंदर किसानों के कर्ज का जो ब्याज माफ करने का उन्होंने ऐलान किया, तो ये शुभकर्ण जैसे बहादुरों की इस दृढ़ता का रिजल्ट है जो निकल रहा है। और मैं ज्यादा ना बोलते हुए इतनी बात ही कहूंगा कि अब
देखिए देशवासियों को मेरा आवाहन है कि आप लोगों का एक उलंबा था कि पंजाब के लोग आंदोलन करते करते जब 3 कानून उनके सस्पेंड हो गए थे वो वापस चले गए, जब रद्द हो गए तो वापस चले गए। आज आप सबको वही आंदोलन फिर से खड़ा कर दिया है और शहादत दिया हमारे एक नौजवान ने, बहुत बड़ा काम किया है। पूरे देश की यह जिम्मेदारी बनती है कि पूरा देश इस आंदोलन में पहले से भी ज्यादा ताकत से इस मैदान में उतरे, ताकि जैसी ये सरकार है ऐसी सरकार को सबक सिखाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से सरकार पेश आ रही है, हमारे युवा प्रतपाल सिंह को देखना हो तो देखिए कैसे तरीके से वो वहां से अगवा कर लेकर गए हैं, उनकी टांगे तोड़ी गई हैं, उनकी बाहें तोड़ी गई हैं, उनका सिर पाड़ा गया, उनकी कमर तोड़ दी गई और बोरी के अंदर उसको बंद करके लेकर ऐसे लेकर गए हैं जैसे किसी जीव को ना किसी वस्तु को लेकर गए हों। और मैं हमारी माननीय हाईकोर्ट से भी इस बात की अपील करता हूं कि इनके ऊपर तुरंत संज्ञान लिया जाए। और पंजाब गवर्नमेंट को मैंने पहले भी हमने लिखकर भेजा है, दोबारा फिर से आज ये कह रहा हूं कि सरकार जिस तरीके से बर्बरता से हमारे लोगों के साथ पेश आ रही है, तो उनके खिलाफ जिन्होंने ऐसी ऐसी घटनाओं को जन्म दिया, हमारे ट्रैक्टर तोड़े गए हैं, हमारे एक युवा को उठाकर लेकर गए हैं, इतने से काम नहीं चलेगा कि हम ये कह दें कि देखिए शुभकर्ण के मामले में तो FIR दर्ज होगी। FIR दर्ज करना, अभी दूसरी FIR दर्ज करना बाकी है जो हमारे नौजवान प्रतपाल को उठाकर लेकर गए हैं। और ये हमारी मांग है सरकार से कि उनके ऊपर भी मुकदमा, अगवा किए का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये सब हमारी बातें हैं, लेकिन फिर मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि जो हमारा शहीद शुभकर्ण, वो केवल हमारा नहीं रहा, एक जमात का नहीं रहा, वो पूरे देश का, किसान परिवार का, कमेरा परिवारों का वो शहीद बन चुका है। जब 3 तारीख को उनका अंतिम अरदास की जाएगी यहीं बल्लो गांव के अनाज मंडी के अंदर, तो मैं निवेदन करूंगा सभी संगठनों को, सभी भाइयों को, एक एक व्यक्ति को अपना फर्ज समझते हुए उनकी अंतिम अरदास में आकर शामिल हों, ताकि अरदास की एक बड़ी ताकत हुआ करती है। अरदास विनती से व्यक्ति, जाने वाले व्यक्ति की आत्मा को वो योग स्थान वाहिगुरु जरूर बख्शता है। और हमारा सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनकी अरदास में भी शामिल हों और उस दिन वहां से वो प्रण लें कि हम इस आंदोलन को, इस लड़ाई को जिसको शुभकर्ण जी शुरू कर गए हैं, इसको अंतिम चरण तक लेकर जाएंगे और जीत कर रहेंगे। धन्यवाद। किसान को लेकर कोई सवाल ना लो, बात करें। देखिए मैंने ये कहा है कि जैसे पहले उनको उठाकर लेकर गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की हमारी मांग है और वो हम मांग कर रहे हैं। हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से हमारे उस युवा को उठाकर लेकर जाया गया। 3 मार्च नूं भोग पैना भी सवाल बाद चला, 3 मार्च नूं भोग पैना सारे पंजाब नूं सद्दा, ओ जरूर बल्लो दी दाना मंडी च पहुंचेंगी। सुनियो इह रणनीति दे इशू ने, इह इक मिंट सुनियो, इह रणनीति दे इशू ने, रणनीति दे उत्ते मतलब चर्चा असीं कल नूं करांगे। अज हालात कोई नहीं, इतना ही चलो।